हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज, मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जहां आप जॉब करते हो उस फार्मेसी का टूर कराने के लिए। तो आज मैं फ्री हूं, सोच रहा हूं आप लोगों को अपनी फार्मेसी का टूर करा ही दूं। और जो लोग बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद अगर वो फ्यूचर में फार्मेसी ओपन करने की प्लानिंग करेंगे, तो इस वीडियो के थ्रू उनको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये फार्मेसी जो है NABH स्टैंडर्ड की फार्मेसी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ दिखाने कि हम लोग जो है साउंड अलाइक मेडिसिन या लुक अलाइक मेडिसिन कैसे स्टोर करते हैं, और उन्हें हम जो है अलग चैम्बर में क्यों स्टोर करते हैं। हम इसको साथ में ही स्टोर करते हैं। बाय मिस्टेक अगर वो पेशेंट को सुक्राफिल ओ चाहिए और हम उसको सुक्राफिल दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है फार्मासिस्ट की। तो और ये जो कॉज होगा उसे हम बोलेंगे मेडिकेशनल एरर। मेडिकेशनल एरर ना हो इसके लिए प्रॉपर फार्मेसी में एक चैम्बर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लुक अलाइक, लुक अलाइक ए एंड लुक अलाइक बी, ऐसे करके दो चैम्बर बनाते हैं, जिससे हम जो है मेडिसिन को अलग अलग चैम्बर में स्टोर करें, जो मेडिकेशनल एरर होने की चांसेस होती हैं वो कम से कम हो सके। ये चैम्बर है साउंड अलाइक ए का, और कुछ मेडिसिन इस चैम्बर के अंदर रखे हुए उनके लिस्ट हैं। और ये चैम्बर है साउंड लाइक अ बी का, और इसके कुछ लिस्ट हैं जो कि मेडिसिन साउंड लाइक ए बी में रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है फ्लोडान MR और ये है फ्लेक्सोन MR। तो दोनों मेडिसिन के जो बोलने पे सिमिलर साउंड निकल रहा है, तो कहीं मेडिकेशनल एरर ना कॉज हो इसके लिए हम जो अलग चैम्बर में स्टोर करते हैं, यही रीज़न है। तो गाइज़, आप ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड में कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि ओपन रैक में हम लोग स्टोर करते हैं। इसको ओपन रैक में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि ये मेडिसिन डेली की बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में मेडिसिन निकलती है, तो हम लोग इसको ओपन रैक में स्टोर करते हैं। तो गाइज़, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हाई रिस्क मेडिसिन हम लोग कैसे स्टोर करते हैं। पहले तो हाई रिस्क मेडिसिन के हम लोग अलग चैम्बर बनाते हैं, जो कि उसके आउटर एरिया में हम लोग उसे जो है रेड कलर से इंडिकेट करते हैं कि ये हाई रिस्क मेडिसिन के चैम्बर्स हैं। ये हाई रिस्क मेडिसिन के चैम्बर्स हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हाई रिस्क मेडिसिन के। जब भी प्रिस्क्रिप्शन में आता है हाई रिस्क मेडिसिन, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को सिंगल फार्मासिस्ट हैंडल नहीं करता है। एक फार्मासिस्ट है जो कि मेडिसिन निकालेगा, और मेडिसिन फार्मेसी से जाने से पहले दूसरा फार्मासिस्ट उसको डबल चेक करेगा। ये नारकोटिक मेडिसिन्स के चैम्बर हैं, जिसको हम लोग डबल लॉक के अंदर स्टोर करते हैं। और ये नारकोटिक ड्रग के कुछ इंजेक्शन्स हैं जो कि हम लोग लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी सिरप के कलेक्शन हैं, सारे जो कैटेगरी वाइज लगे हुए हैं, तो आप जैसे ये देख सकते हैं एंटासिड्स एंड लैक्सेट टू, तो आप इस कैटेगरी के जो सारे मेडिसिन सिरप है, सारे जो एंटासिड्स हैं और ये लैक्सेट टू हैं। और ये भी ऊपर देख सकते हैं, ये भी जो सारी मेडिसिन जो सिरप के फॉर्म में लगी हुई हैं, ये लैक्सेट टूस हैं। और फिर आप ये देख सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम में जितने ये सारे सिरप हैं, ये सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम
हैं। और फिर आप दे सकते हैं, ये है लगी हुई है रैक में मल्टी विटामिन्स, तो सारे जो सिरप इस रैक में हैं तो सारे वो मल्टी विटामिन्स ही हैं, और ऊपर भी आपको कुछ दिख जाएंगे मल्टी विटामिन्स। तो दोस्तों आपने जैसे देखा यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन रखी हुई हैं सारी जो कैटेगरी वाइज ही रखी गई हैं। तो गाइज़ ये थी अजंता फार्मेसी, और अजंता फार्मेसी के बहुत से ऐसे पार्ट्स थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिले। पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, गुड नाइट।